नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एहसास हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग घर पर उड़द की दाल का रिकवच बनाते हैं। इस रिकवच की सब्जी बनाने के लिए हमने उड़द की दाल भिगो के धो के इसे पीस लिया है और इसमें जो है हमने नमक, जीरा, हींग और पिसी हुई लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर सब मिक्स करके इसे ऐसे इसमें मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हमने खड़ा जीरा डाला है। इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको शेप दे लेते हैं। दोस्तों, ये उड़द की दाल के आप शेप मजा ही दे सकते हैं। चाहे तो इसे गोल में पकौड़ी जैसा शेप दे दीजिए और चाहे तो इसे ब्रेड रोल की तरह लंबा करके शेप दे दीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए दोस्तों, पकौड़ी एक तरफ पक गई थी, पलट गया है, दोनों तरफ से पक जाए तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, उड़द की दाल की पकौड़ी तैयार कर दी हमने। और दोस्तों, इसे आप चाय से नाश्ते में भी ले सकते हैं। और इसकी सब्जी कैसे बनाते हैं जिसका नाम रिकवच है, तो ये देखिए दोस्तों, हमने मसाला तैयार करके रखा है। इसमें प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट है। इसमें हमने हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला मिलाया हुआ है। इसमें हम तड़के नमक डाला है मैंने। और इसमें तड़के में क्या देते हैं, ये देखिए, करी पत्ता, तेज पत्ता और मेथी के दाने। इसमें दोस्तों हींग भी हम जरूर डालते हैं क्योंकि उड़द की दाल बादी होती है, इसे नुकसान ना करें। कढ़ाई में तेल गरम है तो हम लोग तड़का डाल देते हैं इसमें। इसके बाद दोस्तों, ये मसाले का पेस्ट हम इसमें डाल देते हैं और मसाले को धीमी आंच पे पकने देते हैं 10 मिनट बाद। जब मसाला एकदम पक के तैयार हो जाए और इसमें तेल छूटने लगे तब हमें समझना चाहिए कि मसाला तैयार हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, मसाले ने पूरा तेल छोड़ दिया है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बराबर में चलाते हैं ताकि ये पकने ना पाए और जले नहीं। इसके बाद दोस्तों, हम लोग जो है दाल थोड़ी सी पिसी हुई हमने अलग करके रखी थी और इसमें हमने पानी डाल के इसे फेंट लिया है। तो जो हमने उड़द की दाल पिसी हुई अलग रखी थी, हमने इसे अच्छे से पानी डाल के हल्का सा फेंट लिया है, गीला कर लिया है ताकि जब हम मसाले में डालें तो ये गुलथियाँ ना पड़े इसकी। इसे हम मसाले में डालते हैं और बराबर चलाते रहते हैं। ये देखिए, इसमें पानी डालते हैं। तेज आंच पे पका लेते हैं, फिर इसे मीडियम कर देते हैं जब खोल जाए ताकि ये बहे नहीं। ये देखिए दोस्तों, खोलने लगा है अच्छे से। तो हम इसमें जो हमने ये उड़द की दाल की पकौड़ियाँ निकाली हैं, इसे हमने हल्का सा पानी में डब करके बाहर कर दिया है ताकि ये मुलायम हो जाए। और ये बचे बूढ़े सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। सो अब ये पक चुका है तो हम इसमें डाल देते हैं। फिर इसे 10 मिनट तक पकने के बाद ये देखिए दोस्तों, रिकवच बनके तैयार है। बारिश के मौसम में आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, जैसे चावल है, रोटी है। और इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि
कि लगता है सब्जियों को भी फिल कर देता है। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फेसबुक पे हमारा पेज है एहसास हमारे, उसे लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।